ये 20वीं सदी के आगाज के वक्त जिसे हम पूरा कहते हैं मिडल ईस्ट, बल्कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं पूरा शिमाली अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, खिलाफत उस्मानिया, लीबिया, अलजजायर, मिस्र, पूरा हिजाज, यमन, पूरा इराक, शाम, और ये शाम ही के हिस्से हैं दर हकीकत, उर्दुन और लबनान, ये सब ये शाम अरब, इराक अरब, ये पूरा इलाका खिलाफत उस्मानिया ये उसका हिस्सा था। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया, उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत के, उभारा उन्हें, तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ हम मदद करेंगे, तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम अपने पांव पर खुद खड़े हो जाना। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक अलमिया है इस पहली जंग अजीम का। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स, बरतानवी इस्तेमार, और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। और इस कदर दर्दनाक बात आपको बता रहा हूं, मैं पहली मर्तबा जब 1962 में हज के लिए गया मदीना मुनव्वरा में, अभी वो रेल के इंजन खड़े हुए थे, ये तुर्की के जमाने में, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बगदाद से मदीने तक रेलवे लाइन थी, ये पूरा एक आलम सल्तनत उस्मानिया, सिर्फ सल्तनत नहीं खिलाफत उस्मानिया, पूरी पूरी ट्रेनें जो है तुर्कों की उड़ाई गई, हजारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहां तक कि सेहने हरम में शहीद किए गए सैकड़ों तुर्क। ये जुर्म थोड़े नहीं है, मामूली नहीं है। आज जिसकी सजा मिल रही है मालूम होना चाहिए कि वो जराइम कौन कौन से थे। अब भी जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा तुर्की का किला मौजूद है ऊपर पहाड़ी के ऊपर, हरम का जो सबसे बड़ा दरवाजा है बाबे मलिक अब्दुल अजीज, उसके सामने एक लाइब्रेरी होती थी, अब तो गालिबन वो भी गिरा दी गई है, उसके पीछे पहाड़ी पर तुर्कों का किला है पुराना, उस पर तोपें मौजूद थी। जब बगावत हुई है, जो हरम में आए हुए थे तुर्क फौजी, जाहिर बात है निहत्ते, वो तो नमाज पढ़ने आए हुए थे, उनको वहां ज़िबह किया गया है, और तुर्कों ने अपनी तोपें इस्तेमाल नहीं की कि कहीं बैतुल्लाह को कोई गदन ना पहुंच जाए। बहरहाल ये गद्दारी हुई है पहली जंग अजीम के दौरान, और न सिर्फ तुर्कों के, अरबों ने की है। जैसा कि मैंने कहा था, दो है सबसे बड़े मुजरिम रूए अर्जी के ऊपर उम्मत मुस्लिमा के तबकात, हमारा पंजाबी सिपाही भी जाकर अंग्रेजों की मदद करके एलन बी को कब्जा जो लेकर दिया बगदाद का, उसमें हमारे मुसलमान पंजाबी सिपाही भी शामिल थे। ये खून चका बाब है हमारी तारीख का, इस सदी का। लेकिन उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए, चीथड़े हो गए। एक अंग्रेज ने लिखा है ये जुमला, जहर में बुझा हुआ जुमला, कि तारीख में ये बात सब्त हो जाएगी कि एक अंग्रेज ने उस सल्तनत के टुकड़े कर दिए कि जो उमर फारूक ने कायम की थी रजी अल्लाह ताला। ये पूरा आलम, ये तमाम इलाका किसने फतह किया था? ये बात हाथ बदल गए थे, फिर तुर्क आ गए, खिलाफत उस्मानियों के पास चली गई, लेकिन ये सल्तनत तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के जमाने से चली आ रही थी। उसको एक अंग्रेज कर्नल ने, और उसने बगावत पे आमादा करके अरबों को और तुर्कों के पीठ में छुरा घुपवा कर उनके जरिए से और टुकड़े कर दिए। लेकिन जब जंग खत्म हुई, अब इन्होंने कहा कि अब हमें आजादी दीजिए, तो अब उन्हें मालूम हुआ कि गद्दारों को दुनिया में क्या मिलता है, टुकड़े कर दिए गए, ये हिस्सा इराक ये अंग्रेज के पास रहेगा, शाम का ये इलाका ये फ्रांसीसियों के पास रहेगा, मिस्र पर अंग्रेजों का तसल्लुत रहेगा, लीबिया अतालवियों के पास रहेगा, ले देकर ये जो इलाका था हिजाज, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं, बेवादिन गैर जीजरीन, ये अरबों के पास छोड़ दिया गया। इस वक्त जो बादशाह हैं शाह हुसैन उर्दुन के, उनके दादा सबसे बड़े गद्दार वही थे, लिहाजा उनको इस इलाके की बादशाहत दे दी गई। इसके बाद नजद से एक तहरीक उठी है, वो सऊदी जो खानदान है वो नजद से उठा है, नजद में उस वक्त कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ रेत के तूदे थे और कुछ भी नहीं, लिहाजा उधर किसी इस्तेमारी कुव्वत को देखने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बाद में तेल बरामद हुआ और उसकी हैसियत हो गई,
और ये इमारात का इलाका जो है उसकी दुनिया में अब गोया के यूं समझिए कि जो सबसे ज्यादा अहम इलाके हो सकते हैं रूए अर्जी के नक्शे पर उनमें से एक वो हो गया, लेकिन ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, कोई हैसियत नहीं थी लिहाजा इसको छोड़ दिया गया। ये है तारीखी पस मंजर, ये लकीरें जो खींची गई हैं, ये एक मिल्लत इस्लामिया को जो कौमियतों में तकसीम किया गया, फिर नारे लगवाए गए अलमिस्र लिलमिस्रीयीन अश्शाम लिश्शामीयीन, अब शामी एक अलहदा कौम हो चुके हैं, मिस्री एक अलहदा कौम हो चुके हैं, इराकी एक अलहदा कौम हो चुके हैं, ये सारी तकसीमें इस्तेमार की पैदा करना है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं। अब जरूरत तो इस बात की थी कि इस्तेमार के पंजे जब यहां से कुछ हटे, दूसरी जंगे अजीम के बाद एक दौर आया, अमेरिका उभरा है दुनिया की आलमी सतह पर सियासत में, उसके यहां कुछ आजादी के तस्वुरात थे, उसने भी सपोर्ट किया, बर्तानिया कमजोर हो चुका था, वो इतने बड़े इलाके को होल्ड नहीं कर सकता था, हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, फिर यह कि और दूसरे इलाकों से भी उसको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, इस्तेमार के पंजे जिस तरह भी हुए इनके सीनों से, अरबों के सीनों से जो है गोया कि वो हटे, लेकिन अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली जो इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इसराइल का खंजर पैवस्त कर दिया ताकि ये कभी आजाद ना हो जाए, हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गवर्न करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद जहां बरतानवी इस्तेमार फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता ये हटने शुरू हुए, सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिट्रेनियन में और दूसरे जगहों से, अलजजायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालवियों से जो है लीबिया वालों ने आजादी हासिल की, ये हो गया, लेकिन एक खंजर पैवस्त कर दिया गया इसराइल का सीनाए अरब। इस सूरत हाल में जाहिर बात है कि एक तो बड़ी आइडियल पोजीशन थी कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, लेकिन वो तो बहुत दूर का ख्वाब मालूम होता है, अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई नकीब नहीं है मिल्लत इस्लामी की वहदत का, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, लेकिन उन्हें भी अपने लेक्चर्स में कहना पड़ा कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे आलम इस्लाम की एक वहदत बन जाना तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है, अगर किसी तरह एक कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम नेशन वजूद में आ जाए तो भी बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उससे भी पहले यह तो ज्यादा आसान था कि आलम अरब एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर ले, ये तो एक कौम है, अक्सर व बेशतर एक नस्ल या ज्यादा दो नस्लें कह दीजिए, शिमाली अफ्रीका में बर्बर नस्ल भी है बाकी तो सब अरब है, ये पूरा आलम एक नस्ल एक जबान, पूरे इतने रकबे के ऊपर बोले जाने वाली एक जबान, यह तो एक हो जाए। अफसोस यह है कि इसका एक हो जाना, एक शख्सियत उभरी थी जो मजहबी मिजाज की शख्सियत थी, जो दीनी मिजाज की हामिल शख्सियत थी, अगर उसकी क़यादत में आलम अरब मुत्तहिद हो जाता तो वाकईतन एक बहुत बड़ा जो है मरहला वो तय हो जाता पूरी आलमी मिल्लत इस्लामिया की एक वहदत इख्तियार करने का, वो शख्सियत थी शाह फैसल शहीद की। और इस लफ्ज के साथ ही आपके जहन में आ गया होगा क्यों उन्हें शहीद कर दिया गया, किसने किया कराया, कहां से तालीम हासिल करके आया था वो जिसने शहीद किया शाह फैसल शहीद को, उसकी गर्दन पर कौन सवार थी वो यहूदी लड़की के जिसके फोटो भी शाये हुए, एक गर्दन पर उठाए खड़ा हुआ शहजादा अपनी एक यहूदी दोस्त को लड़की को, और वही है कि जिसने जाकर पिस्तौल से शहीद किया है। जान में अच्छी तरह जान लीजिए, जैसे बारहा मैंने अर्ज किया है कि हजरत उमर को शहीद करने वाला कहने को अबू लूलू फिरोज था, लेकिन उसके पीछे पूरा ईरानी नस्ल परस्ती का जो पूरा पसमंजर है उसे तो हर शख्स जिसकी जरा भी निगाह जो है जो सिर्फ मंजर को ना देख रही हो पसमंजर को भी देखने वाली हो वो तो जान देगी कि अबू लूलू फिरोज एक फर्द का नाम नहीं था, वो ईरान का इंतकाम था आलम अरब से। बिल्कुल इसी तरीके से ये अमरीकी इस्तेमार का हथकंडा था, उसे महसूस हुआ शाह फैसल मजहबी मिजाज का शख्स ये उभर रहा है, और ये शाह फैसल की हिकमत अमली का जरा आप अंदाजा कीजिए, लाहौर में समिट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो आए, सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी पूरे उस वक्त आलम इस्लाम के अंदर शाह फैसल की थी, और वो गोया के एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक बहुत एल्डरली एक बुजुर्गाना एक शख्सियत जो है
اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہیں، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔